2014 में इसको सब पार्टी ने मिल के बनाया, ये पर्सनल स्पेसिफिक कैसे हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के धक्के बाद दीगने जो फैसले आ रहे हैं वो नवाज शरीफ वो पर्सनल स्पेसिफिक, ये फैसले नवाज शरीफ की जात के गिरते होते हैं और ये गुस्से में फैसले दिए जा रहे हैं, इंतकाम में दिए जा रहे हैं और बुक्स में दिए जा रहे हैं। जब से क्यों निकाला कैंपेन चल रही है, रोना धोना, कभी इधर रो रहे हैं कभी उधर रो रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, साजिश हो गई, पैनामा पेपर्स थे आईसीआई जे वो भी साजिश हो गई। नवाज शरीफ को भी पता है, ये हकान अब्बासी को भी पता है, इनके वजीरों को भी पता है, इनके एमएनएस को भी पता है कि चोरी का पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, बोग्स गुस्सा और इंतकाम के फैसले वो इसे करार दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ये नाहेल हुए वजीर आजम के तौर पर और प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में, मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं और वक्त आने पर मैं वो राज बताऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर उनको ये लग रहा है कि ये फैसले बोग्स गुस्से और इंतकाम की वजह से दिए जा रहे हैं तो उसकी कोई रीजन होगी। और मेरा ये ख्याल है कि आवाम को, क्योंकि भरपूर जलसे भी हो रहे हैं उनके, तो उनको आवाम को बता देना चाहिए कि पाकिस्तान की आला अदालतें उनसे किस चीज का इंतकाम, किस चीज का बुग्ज रखती हैं और किस चीज का गुस्सा उन पर निकाल रही है। जाहिर सी बात है कि ये एक तरफा एक्ट तो नहीं हो सकता कि बिला वजह उन्हें, क्योंकि बस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शक्ल पसंद नहीं आई या उनको ये नाम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि आओ इस शख्स से सारा बुग्ज और गुस्सा निकाल दें। ऐसा हो नहीं सकता। तो यकीनन आपने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल डेवलप हुई, तो आपको चाहिए कि आप आवाम को ये जरूर बताएं कि वो क्या काम ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से किसी के दिल में आपके लिए इतनी इंतहा की नफरत आ जाए, जो फैसले वो दे रहे हैं उसको आप बुग्ज का नाम दे रहे हैं। अगर यही फैसले इमरान खान के लिए आए होते, जरदारी साहब के लिए, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए आए होते, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा के लिए आए होते, या जब पास में ये फैसला, नाम ही मैं भूल जाती हूँ उस प्राइम मिनिस्टर का जो पीपल्स पार्टी के फारिग किए गए थे और फिर 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके ऊपर उनकी जब बारी आई तब आपको ना बुग्ज नजर आया ना कुछ। बहरहाल सेनेट के इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई साजिश नहीं हो रही, कोई ढके छुपे हाथ नहीं है, कोई मनोवरिंग नहीं कर रहा, किसी ने केपी असेंबली तोड़ने के लिए नहीं कहा, किसी ने सदर मुमलिकत फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सिंध की असेंबली तोड़ने के लिए नहीं कहा। इंतखाबात तो अपने वक्त पर होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि आप सदारत से भी नाहेल हो चुके हैं, इसलिए जिन कैंडिडेट्स को आपने नॉमिनेट किया था दोस कैंडिडेट्स विल बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवार वो होंगे। जरा ये बता रहे हैं कि आला सतह के इजलास के बाद ये डिसाइड किया गया है जाती उम्रा में कि कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं लाया जाएगा। 45 दिन का वक्त होता है आपके पास मशावरत के लिए, जनरल काउंसिल इजलास बुलाया जाएगा और शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ये आप पहले भी सुन चुके हैं कि जब खाकान अब्बासी से पहले ये डिसाइड किया गया था कि 120 से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाएंगे और फिर उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और इसकी वाजे वजह यह है कि शहबाज शरीफ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आई थिंक एज अ चीफ मिनिस्टर पेंडिंग थे एंड ही वांटेड टू कंटिन्यू दिस टेन्योर। सो इट इज वेरी ऑब्वियस नाउ कि जब आप सदर बना देंगे शहबाज शरीफ को, आपके दीगर रहनुमाओं का कहना यही है कि बस वो सिर्फ साइन करेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो आप कोई भी कागज उनके आगे रख देंगे, ही विल ओनली बी अ सिग्नेटरी, इज दैट ट्रू? और अगर शहबाज शरीफ इज नाउ गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, लेट्स से अगर आप इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, अगर आपको सजा हो जाती है, बरी हो जाते हैं, नाहेल कितने अरसे तक रहते हैं मुझे नहीं पता, बट शहबाज शरीफ विल बी द कैंडिडेट फ्रॉम PMLN। सो इज शहबाज शरीफ गोइंग टू डू व्हाट यू आर गोइंग टू से? और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो अपने जलसों में अब खादम पंजाब नहीं, अब वो खादम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने मुझे मौका दिया।
लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तजिया निगार इन तमाम मामलों को किस तरह देख रहे हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने एज अ सीनियर एनालिस्ट, हफीजुल्ला नाजी साहब सीनियर एनालिस्ट, तारिक पीरजादा वे सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शाहिद लतीफ साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूं। ये बताइएगा कि आपको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये जो डिसीजन आई है इसके लिए ये तैयार थे और इनको पता था कि ये होने वाला है, और इसके बाद के जो रिपल इफेक्ट्स है वो आप कैसे देखते हैं, स्पेशली शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, क्या वो सिर्फ एक शैडो होंगे, पार्टी यकजा रहेगी, शहबाज शरीफ को फॉलो करेगी या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को फॉलो करेंगे? शाहिद लतीफ साहब, कैन यू इवन हियर मी? ओके, हफीजुल्ला नियाजी साहब, आई थिंक शायद लतीफ साहब कैन नॉट हेयर मी राइट नाउ, बट यू हर्ड द क्वेश्चन, तो आप इसका जवाब दें। देखिए जी, आपने अपने इंट्रो में आपने अपने इंट्रो में इतना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है, कंक्लूड भी कर दिया चीजें, नहीं कंक्लूड की सारी चीजों पे, जस्ट लेफ्ट क्वेश्चन, तो उसमें कोई गुंजाइश तो नहीं रहती कि आप उसमें अंदर क्या है कि देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही इस वक्त अजीबो गरीब और संगीन किस्म की सूरत हाल से हम दो चार हैं। ओके, ये जो फैसला है इसमें दो राय नहीं है कि इसके अंदर जिसको कहने के तजावज हुआ हुआ है बहुत सारी चीजों में, क्या हुआ हुआ है, कोई ऐसे तजावज हुआ हुआ है, ओके, तजावज, एनक्रोचमेंट हुई है, इस तजावज में इसके अंदर एक आप भूख जो नाथ कहते हैं, मैं कहता हूं जी कि ऐसी प्रेसिडेंट सेट हुई है कि अब इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये पहली दफा हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो अपनी बातों की वजाहत कर रहे हैं जब उन्हें मौका मिलता है, पब्लिक में आके कोई बात करने का या कोर्ट के अंदर, तो अपनी वो बातों की वजाहत कर रहे हैं और उनको पता चल गया कि उनकी बातों के अंदर लोगों के अंदर दो किस्म के ख्याल पाए जाते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर, उनके फैसलों के बारे में उस तरीके से लोग कंफर्टेबल हैं जैसे कि सोच रहे हैं। ये ड्रामा को आपने शुरू होगा, ये को आपने बताया ना कि नवाज शरीफ को क्यों कर रहे हैं, और भाई नवाज शरीफ से पहले का क्या हशर हुआ है, यूसुफ नजर गिलानी का आपने कहा है, यह लियाकत अली खान से शुरू है, ये किसी वजीर आजम की शक्ल ही देखी जाती, अब तो पैनामा आ गया है। मुझे ये बता दें कि 2014 में क्या उस्ताद पड़ गई थी कि ये एम्पायर्स बाहर निकल आए थे, ये देखे कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, ये खुले आप क्यों नहीं कहते कौन है, ये छुपते क्यों आप पर्दों के पीछे, सामने बताएं आखिर, जब कह रहे हैं कि कौम के साथ वो एहसान अजीम कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने जान छुड़ा रहे हैं, तो फिर एहसान अजीम के बारे में शर्माते क्यों हैं, अकेले मिलते हैं, प्राइवेट मीटिंग मिलते हैं, तो मैं उनके मेरे कान उनकी जुबान से सुन रहे होते हैं कि जी नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं है, और भाई जो बात है बताएं, फैसले जो है वो पहले सुनते थे पर्चा आउट हो गया है और फैसले आउट हो जाते। अच्छा, एक बात बताइए, फैसला जो कल हुआ है ये चार दिन पहले ही फैसला जो है हमारे यहाँ खानों पे लाहौर के अंदर डिस्कस हो रहा था कि ये फैसला आ रहा है, हर फैसले के बारे में पता है ये फैसला आ रहा है। हफीजुल्ला नियाजी साहब, चले, ये जो सवाल जाहिर है मैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से नहीं कर सकती, आपके थ्रू कर लेती हूँ। वो ये कहते हैं गुस्सा है, बुगज है, मेरे खिलाफ इंतकाम लिया जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए कौन ले रहा है और क्या किया है नवाज शरीफ ने जिसके खिलाफ इतना गुस्सा, बुगज और कीना रखा हुआ है उन लोगों ने जो ये कर रहे हैं? ये यास्मीन पूरी कौम का सवाल है। मैंने कहा है ना कि पैनामा का तो बहुत बड़ा इशू है, okay. नवाज शरीफ साहब ने करप्शन किया है, यही इल्जाम आपके साथ शाह लतीफ साहब बैठे हैं उन बेचारों के ऊपर लगाए गए हैं कि उन्होंने यहां पर जो है दुबई के अंदर जायदाद बनाई हुई है, सच्चे या झूठे, अब वो अपना हिसाब किताब देंगे या नहीं देंगे मुझे से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ है उसकी तहकीक होनी चाहिए, एक आर्टिकल है 10A जो मुझे फेयर ट्रायल की जमानत देता है, मेरे खिलाफ डिसीजन हो रहे हैं 184 के तहत, आप 184 के तहत हुकूमत को डिसमिस कर दें, अपनी मर्जी की टेक्नोक्रेट हुकूमत में ला दें, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुंजाइश है 184 को सुनिए के साथ आइन में
10A आईन का अपने उसका कोई जो है कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई फेयर ट्रायल नहीं मिले, क्या हर चीज के ऊपर डिसीजन आ रहा है। उसके बाद 17 जिसको उन्होंने कह दिया आप इसको हम 62 63 से जोड़ रहे हैं, फिर ये बताएं कि असेंबली ने कानून पास किया। भाई असेंबली माँ है आईन की, ये कौन हम बताएगा, अभी बताया जा रहा है कि सर बाप भी तो होगा ना कोई आईन का, या खाली माँ नहीं पैदा करती आईन को, आईन बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप का होना जरूरी है ना, माइन माँ जरूर होगी पार्लियामेंट, लेकिन आईन का तो किसी का कोई बाप भी तो होगा ना, कोई रखवाला भी तो होगा, तो बाप बना ले फिर किसी को, बाप बना ले किसी को, माँ का मतलब ये नहीं है कि आप शायद हफीजुल्ला नियाज़ी साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं ये आईन पार्लियामेंट ने बनाया है। Yes, sir, but by the people, for the people, for the wishes and the betterment of the people of Pakistan. Oh, oh, तो ये शायद ये बात मैंने आपने टीवी पे तय करनी है, आपने ये तय करनी है, अब लोगों के पास जाते हैं, अब देखें क्या लोगों ने अपना इजहार किया हुआ है, शायद किस बार इलेक्शन में जाएंगे, या सर आई होप यू कैन हियर मी, यही असर होगा। Yes, I can hear you. Okay, sir, I asked you the first question. Unfortunately, you were not, I think, उसको आवाज क्लियर नहीं थी, बट ये वो हफीजुल्ला नियाज़ी साहब ने उसका आंसर किया। अभी ये जो इनका मौकिफ है वो क्या है, हिडन हैंड्स भी है, बुग़्ज़ भी है, गुस्सा भी है, कीना भी है, सब कुछ है, ये वंस एंड फॉर ऑल, जैसे उन्होंने कहा 2014 के अंदर क्या तकलीफ हो गई थी इनको, तब तो कुछ भी नहीं था, फिर ये क्यों आ गए थे, सो ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट द धरना और उस वक्त की जो पेशेंट गोया थी कि जी इनके पीछे कुछ लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के। देखें मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुहिम चल रही है वो लोगों को गुमराह करने की मुहिम है, okay. गलत फहमियां पैदा करने की मुहिम है। हम इस बात को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट जो है उसका एक तकद्दस है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, मगर क्या इस बात से भी आप इंकार कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसने अपनी कारकर्दगी से जाहिर करना है ना कि उसकी तकदीस और उसका एहतराम कितना है। क्या पार्लियामेंट जो है वो लोगों के लिए नहीं बनाई गई, जमहूरी निजाम किसके लिए है, अवाम के लिए है ना, नहीं। तो अगर आपके जमहूरी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंटेरियन कहलाते हैं, उनका काम है कानून साजी करना, अगर वो सारे फंड जेबों में डालेंगे और कहेंगे तरक्याती मंसूबे हमने करने हैं, जो बल्दियाती अदारों का काम है वो नहीं करते, उनको आप फंड नहीं देते, तो क्या पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है? पार्लियामेंट में जो चीजें डिस्कस होनी होती हैं वो लोगों के और आवाम के मसाइल डिस्कस होने होते हैं। इस पार्लियामेंट में बता दीजिए किस दिन ऐसी चीजें डिस्कस हुई जिनका ताल्लुक आवाम के मसाइल से है। हां पार्लियामेंट में यह बड़े जोरों शोर से डिस्कस हुआ कि जनाब नाअहल को अहल कैसे करना है, और एक जाती शख्स के लिए, एक आम एक आदमी के लिए खसूसी तौर पर उस कानून में तरमीम कर दी गई, क्या पार्लियामेंट का यह काम है? तो मकसद यह है कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में कानून तहफ्फुज़ को चुपके से बदल दिया गया, वो भी किसी बाहर की कुव्वत के कहने पर काम किया गया और किसी को पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी, फिर पार्लियामेंट पकड़ी गई और आपके वजीर कानून साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते रहे कि हमने कोई तरमीम नहीं की, दो मरतबा उन्होंने कहा, तीसरी मरतबा जब उनके पास चारा ना रहा तो फिर उन्होंने माफी मांग ली। बात यह है कि पार्लियामेंट अपनी जगह मुकद्दस है, पर आईन के बारे में क्या ख्याल है? तो चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो हकीकत नहीं है? इसलिए वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वो इनको भी एजुकेट कर रहे हैं, इससे पहले कि आप अपने वाज और जो इतने बड़े बड़े जलसे और जुलूस हो रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए लोगों को गुमराह करें, लोगों के अंदर एक गलत अफवाह फैलाएं कि जनाब आईन ही हर चीज है और आईन को कोई हाथ नहीं लगा, पार्लियामेंट ही वाहिद वो एक चीज है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट भी आईन की ताबे है। अच्छा एक बात समझने वाली है, बिल्कुल दुरुस्त बात है शाहिद लतीफ साहब, में मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जब ये कहते हैं कि बुग्स है, गुस्सा है और मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है, डोंट यू थिंक एज अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर विद सच पावर, हिज गवर्नमेंट सब कुछ जब उनका है, वो खुलकर एक ही दफा क्यों नहीं आवाम को बता देते, ही कैन जस्ट गो लाइव ऑन एयर एंड से कि भाई ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसकी ये वजूहत है। नहीं वो कोई, वो उनके पास कोई इस चीज के बारे में ना कोई दलील है, ओके ना उनके पास कोई सबूत है,
वो तो बात ये है ना कि आदि किस चीज के हैं, वो आदि इस चीज के हैं कि जस्टिस कयूम जैसे वहां पे जज बैठे हों और उनको फैसले डिक्टेट करवाए जाएं। फर्क ये पड़ा है कि आज की अदलिया फैसले डिक्टेट अपने ऊपर नहीं करवाती, वो फैसले सुना रही है। पनामा का केस कितनी देर चलता रहा और जज साहबान जो है खुलेआम सबके सामने मिन्नत समाजत करते रहे कि आप अपने दिफा में कोई ना कोई सबूत पेश कर दें। जीआईटी बना दी गई कि चले आप हमारे सामने पेश नहीं करते, इनके सामने पेश कर दें। तो क्या पेश हुआ? कतरी खत पेश हो गया, सरासर झूठ था और वो बकायदा रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला था। देखिए एक बात हमें समझनी चाहिए कि पूरी तरह अपने दिफा की इनको पूरा चांस दिया गया, जब कुछ भी ना हो सका, कोई चीज ना निकली, तो सिवाय इस ये कहने के लोगों में ये तासुर पैदा करने के कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए और नारे लगवाने शुरू कर दें। यानी आप एक जलसा करें और लोगों को कहें कि जनाब मैं अपनी रिव्यू पिटीशन आपके पास ले आया हूं, तो ये चौकों गलियों और मोहल्लों में जलसे कराएंगे आप? तारिक साहब, अदालत के जो फैसले हैं उनको रिवर्स करवाएंगे? ये कहां का कानून है? ये बिल्कुल गलत तासुर पैदा करना, गलत फहमी पैदा करना, लोगों को गुमराह करना, उन्हें उभारना। खड़े हो जाओ अदालत के खिलाफ। लेकिन वो सर ये उनकी इलेक्शन कैंपेन हो सकती है। तारिक साहब, हाउ डू यू सी द फ्यूचर नाउ, फ्यूचर ऑफ पीएमएलएन? पहली बात, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान की सियासियात में कभी वापिस नहीं आएगा। मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं और आज कल के फैसले के बाद मैं उसको मजीद ताईद के साथ ये बात यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी पीएमएलएन के कारकुन हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अरकान हैं, उनको आंखों से, कानों से, बसीरत से, इदराक से, शऊर से काम लेकर वो करना चाहिए जो कि अभी चार दिन पहले, चार दिन की जमहूरियत जनूबी अफ्रीका के अंदर हुआ, एएनसी ने, वहां की सबसे बड़ी पार्टी ने 8 साल प्राइम मिनिस्टर को कहा कि तुम्हारे ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, मुकदमा नहीं चलाया अभी, सिर्फ यह कहा कि करप्शन के चार्जेस हैं, आप तशरीफ ले जाएं, आप तशरीफ नहीं ले जाते तो ये आप ही की पार्टी आपके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाएगी। मुस्लिम लीग के लोगों में अगर थोड़ी सी जमहूरी बसीरत है या वो इस जमहूरी निजाम को चलाने में 1% भी यकीन रखते हैं तो इस वजीर आजम को कहें कि नाहल वजीर आजम को, आप पार्टी की सदारत से भी निकाले जा चुके हैं, आप वजारत से भी निकाले जा चुके हैं, आपका किरदार खत्म हो चुका है, पाकिस्तान पर रहम करें। और अगर रंजीत सिंह की रियासत चलानी है और उसके उसी के तर्ज के ऊपर जिस तरह उसने पंजाब को चलाया था और आपने पंजाब पाकिस्तान को चलाना है, फिर जरूर वो करें जो कि इस वक्त अभी हमने कुछ देर पहले उनकी पार्टी के शायद किसी एक नुमाइंदे को कहते हुए सुना है। एक बात याद रखें कि यहां भी कहा गया, मैं इस बात से बड़ा सख्त इख्तलाफ करता हूं, मैं सियासियात का पुराना तालिबे इल्म भी हूं, कि पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ होता है, यह तकद्दस नामी चीज जो है किसी मस्जिद के लिए होती है, किसी कुरानी किताब के लिए होती है, ये किसी उसे क्या कहते हैं दरगाह और खानकाह के लिए होती है। जो पार्लियामेंट है जमहूरी निजाम में वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं जिनकी गिरफ्त, जिसमें वजीर आजम भी शामिल होता है, किसी भी वक्त हो सकती है, कुर्सियां भी चल जाती हैं, सर भी फट जाते हैं। या तकद्दस कोई नहीं, ये मुबाहसे का मुकाम है। लिहाजा ये नोशन कहीं से लेकर आना कि पार्लियामेंट मुकद्दस होती है, बिल्कुल नहीं। मुकद्दस एक अदारा है और वो है उस मुल्क की अदलिया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोग कहते हैं कि अमरीका की मिसालें दी जाती हैं, जब अमरीका का आइन बना था अमरीका सिर्फ 13 रियासतों का मुल्क था, पसमांदा, ओके कुरैल, कत्लेआम, 100 साल तक जंगें आपस में लड़ती रही रियासतें। मैं उस पुराने अमेरिका का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त भी उनकी सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक आईन में जो लफ्ज लिखे हुए थे उन पर आज भी अमल होता है, दैट दी सुप्रीम कोर्ट इज दी फाइनल आर्बिटर ऑफ केस और कॉन्ट्रोवर्सी, के मुकदमे और तनाजे की सूरत में हमारी रियासत में आखिरी हर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का हासिल होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। दुनिया की हर जमहूरियत में दो काम होते हैं, मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना
और उस कानून की तशरीह करने का आखिरी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को होता है, और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 1843 के तहत वो हासिल है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात ये करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माइनस नवाज अगर नवाज शरीफ साहब नहीं एक्टिव रोल पॉलिटिक्स प्ले में प्ले करते तो ही विल स्टिल बी द किंग मेकर ऑफ PMLN एंड शाहबाज शरीफ विल जस्ट बी एन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। विल दैट बी द केस? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक हफीजुल्ला नियाजी साहब जी, डू कमेंट सर। देखिए जी, ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि हम किस जेन के साथ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान एक आईनी रियासत है, ये आईन जो है ये एक पार्लियामेंट ने दिए तस्वर दिया है। हम ऊंची सेबर रेटलिंग तो कर रहे हैं, हवा में तलवारें तो चला रहे हैं, डिस्क्रीट हमारे पास क्या चीज है? हम देखे, कौम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक, मैंने सारी दुनिया घूमी है, इससे ज्यादा समझदार कौम मैंने नहीं देखी। ये सही है कि हमारे लीडर जो है वो मियार पूरा नहीं करते, जो एक बहुत बड़ा मियार होता है, लेकिन पूरा कौन कर रहा है? देखे हमारे हम ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस कौम का हमने भरकस क्या बना रखा है। हमारी ख्वाहिशात के समुद्र है कि घोड़े के कहीं रुकने का नाम नहीं लेते, सर पर दौड़े जा रहे हैं। इतना इस मुल्क के अंदर जो जिस मकाम पे हम लेके आए हैं कि ये बात चार साल से मैं सुरकान पक गए हैं। मुनाफ़कत इतनी है कि मानेंगे नहीं, नवाज शरीफ को नहीं आने देना, इसको निकालना है, सारी फैमिली को खत्म करना है। कौन नहीं जानता कि गठजोड़ क्या है, क्या गठजोड़ है? सारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग हुई है, इसमें नक्शे पाक क्या क्या नजर नहीं आया? व्हाट्सएप कॉल्स किसी ने आज तक सफाई दी है? आज तक खोल कहना जरा। अच्छा एक सेकंड, जरा खुल के बात करें हफीजुल्ला नियाजी साहब, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती नाम है लें किसी अदारे का, अदारा एक ही होता है इस मुल्क में भाई, वही आता है हर जगह उसी के कारनामे है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब नवाज शरीफ और उसके खानदान को नहीं आने देना, ठीक है, पॉइंट एक्सेप्टेड। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपने उनसे पूछा है कि भाई क्यों, क्या किया हमने? भाई ये मसला नहीं है लियाकत अली खान के खिलाफ, जो पाकिस्तान का बानी वजीर आजम था पहला, उसके खिलाफ पूरे GSQ के अंदर दो मेजर जनरल थे हमारे पास। पहली दफा पाकिस्तान का CNC बना थे चार साल बाद, प्रेजिडेंट जनरल यूब खान, वो कराची में थे। पिंडी के अंदर कॉन्स्पिरेसी हुई जब केस चला मेजर जनरल अकबर, और उसके अंदर कोई तकरीबन 7-8 ब्रिगेडियर थे, कोई तकरीबन 3 दर्जन के करीब कर्नल और जूनियर मेजर से पूरा GSQ उसके अंदर मुलव्वस था, सारा इंडाइट हुआ, केस चला पूरा। आप आज अभी डाउनलोडेड सारा पता चलेगा, इल्जाम क्या लगाए? इनकम्पिटेंट कुरप सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया, अभी डाउनलोड कर उसके बाद किस वजीर आजम को इन्होंने छोड़ा? ये जो गठजोड़ था उस वक्त आर्मी का, अदलिया का, जस्टिस मुनीर का, आज अदलिया बेचारी उसका बोझ नहीं उठा सकती, 200 केस देख ले, शायद केस देख ले। अगर ये बात इतनी खुल गई है, बात सुन, अब बात मेरी पूरी सुने, सब पूरी सुन ले, इसको कमिट करने देना। नहीं कमिट क्या मैं करूं कि जो खुद शायद लतीफ साहब के ऊपर क्वेश्चन की ताजे थे उनको ये अवॉइड करते हैं, उनके ऊपर ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास है जो कुछ सारे जायज है, और लोगों को कहते हैं कि नहीं आप नाफिज करें उसके ऊपर। पाकिस्तान के लोग जो है ना उनको आप ऐसे नहीं कर सकते। इलेक्शन जो है अब आएगा तो ये जो मायूस जहन है, ये जो मायूसी के पैगंबर बैठे हैं जिनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये खुद दम तोड़ जाएगी। शायद ये बहुत अच्छे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ कंस्पिरेसी एंड ऑब्वियसली द कंस्पिरेसी हैज इमर्ज फ्रॉम GHQ। देखें बात ये है कि अगर हम 1950 ही की बातें करते रहेंगे और उन्हीं चीजों का जिक्र करते रहेंगे जिसमें गलतियां हुई, क्या फौज तस्लीम नहीं कर चुकी कि जहां गलतियां हुई वह माजी का किस्सा था? क्या ये नियाजी साहब हमें नई कहानी सुना रहे हैं जो हमारे इल्म में नहीं है? और अगर उन्हीं किस्सों को लेकर आप कहेंगे कि आज हम वहीं पे मौजूद हैं, दुनिया कहां चली गई भाई? और ये जो पिछले 10 साल गुजरे, आप बताइए कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी है पिछले 10 साल में? 2014 का जिक्र कर रहे हैं, क्या अंजाम हुआ उन धरनों का जो इतना शोर मचा हुआ था? कोई उसके बदले में कोई नतीजा निकला?
कौन सी एजेंसी जो सामने आ गई, कौन सी एजेंसी सामने आई? खुदा के वास्ते बात सुने न्याय साहब, जब आप बात कर रहे हैं ना तो मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुने प्लीज, आप जरा हौसला करें, आप इतना ऊंचा बोल रहे हैं, आप अपना हौसला करें, अब मेरी बात भी सुन लें। बड़ा हौसला है, मैं इतना ही बना रहा हूं, इतना हौसला है आज, मेरा इतना हौसला है कि मैं अपने हौसले नहीं, हौसले को पस्त कर दूंगा। जो हौसला है मेरे वो जरा जाहिर करें, जो जरा जाहिर करें, बारी बारी बात करते हैं, जो हौसला है वो जाहिर करें, बारी बारी बात। और ये और शाहिद लतीफ के नाम से जो आप बात कर रहे हैं वो एक दो बहरूपियां आप भी उनमें शामिल हो जाए, वो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। खुल्लम खुल्ला हम बयान करने वाले लोगों में से हैं। और दूसरी बात, और बात और बात सुने, बात तो सुने, मेरी बात सुने, अब भाई आप बात तो सुने, इसलिए कि बात खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए। आप नाम नहीं ले रहे, आप बताइए पिछले 10 साल में कौन सी कॉन्स्पिरेसी हुई, अदलिया ने किसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, फौज ने किसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, उसका अंजाम क्या निकला? आप दूसरों को कह रहे हैं कि हवाओं में बातें, हवाओं में तो बातें यहां आप कर रहे हैं, ये हवाई बातें हैं ना, अंजाम बताइए। और माजी में अदलिया भी कह चुकी गलतियां हुई, उसको खत्म किया जाएगा, फौज का सरबरा कह चुका हम आईन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, और साबित कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे बैठे हैं। ये जो पनामा का किस्सा अदलिया ने निकाला, ये पनामा का किस्सा फौज ने निकाला, ये जो कुछ हुआ ये किसने किया, उसका अगर जवाब नहीं आया तो वो क्या फौज उसमें शामिल है? जो कुछ हो रहा है अब पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि जी बड़ी वो ऐसी जगह है कि उसके अलावा कुछ और है नहीं, भाई पार्लियामेंट हो या कोई और जगह हो, हर चीज का जो ताल्लुक है वो कारकर्दगी से है। तुर्की को देखिए, वहां भी तो फौज बार बार मुदाखलत करती थी, इस मरता जब यही इल्जाम लगाए थे, वो वहां पे यही इल्जाम है, ये हुआ 107 बिलियन करोड़ तो जो लोग थे यही इल्जाम, जो लोग थे जब बगावत हुई तो लोग टैंकों के सामने आके लेट गए। मेहरबानी करें मेरी बात सुन लें, आप भी अपनी बारी ना बोलिएगा। तुर्की में यहां भी वो होने वाला है, अय्या ये तो आप 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 जैसे अगर नजूमी होंगे तो फिर तो बहुत कुछ होने के लिए कह देंगे, क्या होने वाला है? मेरे में ये हवाई बातें नहीं है, नहीं सर एक सेकंड सुनते रहे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, होने वाले की बात ना करें, जो हो रहा है उसकी बात करें, जो हकीकत है उसकी बात करें, हकीकत में बताएं क्या गलत हुआ है। इतना मौका मिला, सब कुछ मिला, और आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को उभारा जा रहा है, ये बगावत नहीं है, मौका मिला पे इतराज है, ये बगावत नहीं है, मौका मिला पे इतराज है, जगह जगह जाके आप खड़े हो जाओ, अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, मौका ये सियासी हुकूमतों को मौका बेकार में मिला है, बात वही हो गई, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या हो गया, प्लीज खामोश हो जाए, जब कोई बात होता है, आप राय नाजी साहब, इंटरफियर करते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुने आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, आपने अपनी बारी से बोले, अब मैं बोल रहा हूं, आप सहमत पर इंटरफियर, नो व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग, Why don't you wait for your time? क्वेश्चन जा रहे हैं आप मेरे पे एलिगेशन लगाते जा रहे हैं, नहीं, जो एक सर, आप अपनी टर्म है, ये मेरी टर्म है, ये मेरी टर्म है ना, ओके यस सर, कैन आई स्पीक इन माय ओन टर्म, यस कैन आई इंटरवीन सर, कैन आई इंटरवीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज मेरी बात सुने, हफीजुल्ला नियाजी साहब एंड शाहिद लतीफ साहब, यू बोथ हैव पॉइंट ऑफ व्यूज, लेट्स शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज इंस्टेड ऑफ गेटिंग एम्ब्रॉयल्ड इन दिस डिस्कशन। आपका एक नियाजी साहब आपका एक व्यू है, उनका एक व्यू है, अपनी अपनी बारी पे अपना अपना व्यू दे दीजिए, एक दूसरे की बात इंटरफेयर ना करें, माय ओनली पॉइंट है कि मुझे बोलने दें, मेरी बात सुने, इंटरफेयर ना करें। अच्छा नियाजी साहब मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लें, आप ये कहते हैं कि बार बार मौका देने के हवाले से बात की, सर पार्लियामेंट के तकद्दस की जब आप बात करते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का तकद्दस बहुत ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो सर? आगे चले जी, ओके ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर बड़ा रेलेवेंट है ना, क्वेश्चन ये है कि क्या जब 2014 का धरना लगा तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर फ्लोर ऑफ द हाउस पे सर सारे पाकिस्तान के सामने उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमने राहिल शरीफ को मीडिएशन के लिए नहीं कहा, और उससे एक रात पहले वो उसे मीडिएशन का कह चुके थे, आईएसपीआर को एक स्टेटमेंट निकालने मारी, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो जो जात से रिलेटेड जो पार्लियामेंट का तकद्दस है वो कहां गया? वुड यू टर्म इट एज अ लाई एंड मे बी इन अ गुड कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट वुड बी द अल्टीमेट प्लेस वेयर अ प्राइम मिनिस्टर शुड हैव रिजाइंड?
बीबी हमारी बदकिस्मती भी यही है जी। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस साउथ अफ्रीका की मिसाल दे रहे हैं और जिस अमेरिका के कल्चर की और उसकी जो सुपर वेल्जूस की मिसाल दे रहे हैं, उस वेल्जूस के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। मिडनाइट जैकल ऑपरेशन किया था 88 के अंदर, ये 50 साल पहले की बातें नहीं करता हूं मैं, 30 साल पे आ जाता हूं मैं, इनको 10 साल की बातें बताऊंगा। ये जो अंपायर की उंगली थी, मिडनाइट जैकल ऑपरेशन था कि बेनजीर को इंतजाम में नहीं आने देना, कामयाब हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। इस मुल्क के अंदर जो कोर्जन की और इंटरफेरेंस की इतनी मिसालें हैं कि आपको ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस कॉन्टेक्स्ट में किया। बहुत दफा मैं समझता हूं कि मैं इसको ऐसा लेता हूं कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस चीज को 16-27 रफा दफा किया जाए। ठीक है, स्पेस चाहिए कितनी चाहिए आप लेते रहे फौज को, लेकिन उसके बाद अंपायर की उंगली थी। मुझे कोई ये बता दे, कोई किसी में अखलाकी जरूरत है कि यह अंपायर झूठता? अगर सच था तो कौन इसका जवाब देता हूं? आप जवाब दे दे। मैं इसका जवाब देता हूं इंसाफ को जी, दे 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 दे। देखे पिछले 10 साल पर नजर डालें, अब जरा मेरी बात सुने ना। अच्छा, आपने अपनी बात कर ली, शायद लतीफ ने कहा पिछले 10 बरस पे, पिछले 10 बरस पे नजर डालें जी। अनवर जहीर जमाली ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, अपने जाने से पहले कहा था, हम जो फैसला देते हैं, जो हुक्म जारी करते हैं, उस पर मरकजी हुकूमत अमल नहीं करती। इसका मतलब यह है कि इन जमहूरी हुकूमतों ने, और मैं 10 साल में दोनों जमहूरी हुकूमतों को शामिल कर देता हूं, इन्होंने आईन का एक दिन एहतराम नहीं किया और एक एक कानून और एक एक आईन के हिस्से का मजाक उड़ाया और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नजरअंदाज किया और उनको तोड़ा। मैं कहता हूं इस मुल्क में जिस कदर हमारे अफवाज पाकिस्तान के पास कुवत है, अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो ये दोनों इसे क्या कहते हैं, नाम नेहाद सियासतदान, दो कौड़ी के आदमी, ये दो दिन भी हुकूमत करने के मुस्तैक नहीं थे। कौन? इन लोगों को बर्दाश्त किया अफवाज पाकिस्तान ने, आज भी कर रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जैस्मिन मेरी बात सुनिए, अदब से कह रहा हूं, खुदा की कसम मैंने इस दुनिया की जमहूरियतों को देखा हुआ है, 20 साल गुजारे हुए हैं मैंने बुरे और अच्छे मुल्कों में, खुदा शाहिद है इतने तीसरे दर्जे के दोनों सियासतदान जरदारी और नवाज शरीफ, इनको किसी मुल्क में एक मिनट की भी जगह ना होती। ये धोखा देकर, अवाम को धोखा देकर हुकूमतें करते हैं, अफवाज को गाली देकर, मोदी से दोस्तियां करके, कुलभूषण का जिक्र ना करके ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बर्बाद करते हैं, पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन फौज ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया जमहूरियत को जारी रखने के मकसद के लिए। आज भी यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं, या शर्म आनी चाहिए, वो खड़े होकर कह रहे हैं हम जमहूरियत के साथ है, और ये न्याजी साहब पता क्या कह रहे हैं, साजिश हो रही है। सर लास्ट कमेंट दे दे, न्याजी साहब, वी डोंट हैव एनी टाइम, कुड यू प्लीज कमेंट ऑन दिस जो इन्होंने ये मेरी एक, एक, अच्छा एक एक मेरी बात सुन लें, जहीर जमाल और अनवर जमाली साहब ने कौन सा हुक्म दिया है, सिर्फ एक कोट कर दे, जिसको सिविलियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब मेरी सुन लें, 2012 उन्होंने में कहा किसी भी कोई साहब ने, मेरी बात सुने नहीं किया, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और भाई साहब मेरी बात सुने, दिखा दूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप प्रोग्राम कर लें, इनको दिखा दें, ओके मेरी बात सुन ले, सर मैं सुन रही हूं, मेरी बात सुने, एक मिसाल इनसे पूछ लेने का, एक 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 साइटेशन दे दे, एक एनेक्डोट दे। अब मेरी सुन ले, इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2012 में जैस्मीन जी कराची में एडब्ल्यूटी के पास इन्होंने जमीन ली स्टेडियम के पास, और वहां पे मैक्रो या मेट्रो स्टोर बना, उन्होंने कहा इसको एक महीने में डिमोलिश करें। किसने सर, किसने? मुझे बताएं, वो स्टोर आर्मी के कब्जे में है, इफ्तिखार चौधरी का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग निकलवा ले, उन्होंने कहा उसको डिमोलिश करें, और जमीन जरूरत से क्या ताल्लुक है, ओहो किसी एक के मेरी बात सुने, भाई साहब से क्या ताल्लुक है, मेरी बात सुने, जमहूरियत की हो रही है, सुने शरीफ की कौन से हो रही है, जरदारी की करप्शन की हो रही है, आपकी करप्शन की हो रही है, भाई साहब फारिग हो गए हो ना, भाई साहब फारिग हो गए हो ना, अब यही कहना था आपने, आपके अंदर अगर आपने, ओ भाई आप लोग खाली लोगों, आप करप्ट लोगों, आप जनूबी अफ्रीका से, अफ्रीका एक पसमांदा मुल्क,
बाद क्या होगा, बट इस पर बात करेंगे. द डिस्कशन गॉट सो डिविएटेड, आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ. शाहिद लतीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हफीजुल्ला नियाजी साहब आपका भी, तारिक पीरजादा साहब आपका भी. वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज व्यू. अपना ख्याल रखिएगा. राइट टू मी ऑन ट्विटर. आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.